आपने किसी मूवी में किसी एक्टर को डबल रोल प्ले करते हुए देखा होगा, या आपने कभी सोचा है कि रियल लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है, एक जैसे दिखने वाले लोग कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारे आसपास नेचुरली बॉर्न आइडेंटिकल ट्विंस इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि हम आर्टिफिशियल तरीके से क्लोन बना सकते हैं, तो एक सवाल आता है, कैसे? इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोनिंग क्या होती है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोनिंग की हिस्ट्री के बारे में। क्लोनिंग के आइडिया की शुरुआत 1950 से हुई थी। इवॉल्व होती हुई साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिस्ट ने क्लोनिंग पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले क्लोनिंग के लिए मेंढकों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उसके बाद अदर एनिमल्स पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि तब हमारे पास आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट रिसर्चर्स लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे और क्लोनिंग की टेक्निक भी डेवलप हुई, और 1980 से 1990 तक बहुत सारे क्लोन बनाए गए जो रैबिट, माउस और सीप के क्लोन थे। इसके बाद 1996 में डॉक्टर इयान विलमेंट और उनकी टीम ने सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का यूज़ करके एक सीप को सक्सेसफुली क्लोन किया था, जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली सीप आर्टिफिशियल क्लोनिंग का सबसे पहला सक्सेसफुल केस था। बाद में 2003 में लंग इन्फेक्शन की वजह से डॉली की डेथ हो गई। इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बाद साइंटिस्ट का ध्यान ह्यूमन क्लोनिंग पर गया, और तब से वो इसे पॉसिबल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्लोनिंग की प्रोसेस को जितना आसान समझा जाता है, ये इतनी आसान नहीं होती। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी कोई नहीं बता सकता है कि ये कितनी सक्सेस होगी। आइए अब जानते हैं क्लोनिंग कितने टाइप्स की होती है। मेनली क्लोनिंग तीन टाइप की होती है। नंबर 1 जीन और मॉलिकुलर क्लोनिंग, नंबर 2 रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, नंबर 3 थेरेप्टिक क्लोनिंग। जीन और मॉलिकुलर क्लोनिंग में हम ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर इन बैक्टीरिया का यूज़ करके ह्यूमन प्रोटीन जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जाता है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम किसी सिंगल पेरेंट की सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं। इस मेथड से बनने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से फिजिकल और जेनेटिक लेवल पर सेम होता है। थेरेप्टिक क्लोनिंग में हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की हेल्प से टिश्यू और ऑर्गन्स को रिपेयर और ट्रांसप्लांट करते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में एम्ब्रियोस से ली जाती हैं, और बाद में इन एम्ब्रियोस को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्लोनिंग की प्रोसेस में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्टली सेम मॉडल तैयार किया जाता है। अब तक इस टेक्निक को बहुत सारे एनिमल्स पर यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी इसका डेवलप होना अभी बाकी है। ये आज भी कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। क्लोनिंग टेक्निक में मदर की एग सेल ली जाती है और एक फादर की सेल ली जाती है। यहाँ पर मदर की एग सेल से डीएनए निकालकर उसे फादर की सेल के किसी जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके लिए स्किन सेल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद एग सेल में डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और इसे मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके बाद ये नॉर्मल फीटस की तरह ग्रो होने लगता है। किसी लैब में हम क्लोनिंग की प्रोसेस करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग और दूसरा है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग की। क्लोनिंग करने का ये तरीका रिप्रोडक्शन की नॉर्मल प्रोसेस जैसा ही है, बट इस टेक्निक को पेट्री डिश में कंप्लीट किया जाता है। पेट्री डिश में स्पर्म और एग्स के मिलने से जो डेवलप फीटस सेल होती है, उन्हें सेपरेट करके मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद यहीं पर फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के बारे में। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्लोनिंग करने की मॉडर्न टेक्निक है। इसकी प्रोसेस आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग से बिल्कुल अलग होती है। इस टेक्निक को पर्टिकुलरली क्लोनिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सोमेटिक सेल का सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है, और एग सेल के न्यूक्लियस और डीएनए को निकालकर उसमें सोमेटिक सेल से निकाले हुए न्यूक्लियस को डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये एक फर्टिलाइज्ड एग की तरह बिहेव करने लगता है। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए किक स्टार्टर की तरह केमिकल और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो इन एग्स को मदर यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो क्लोनिंग की प्रोसेस के लिए बस एग सेल की रिक्वायरमेंट होती है। रिसर्चर यहाँ पर किसी एनिमल की सेल को लेते हैं और उसका डीएनए निकालकर एक फाइन नीडल की हेल्प से एग सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम क्लोनिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। क्लोनिंग टेक्निक से प्लास्टिक सर्जरी आसानी से की जा सकती है। इस टेक्निक का यूज़ करके डॉक्टर किसी इंसान का कोई भी सैंपल लेकर उसकी सेल्स को फिर से बना सकते हैं। अगर किसी एक्सीडेंट में किसी पर्सन के बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो उनको इस टेक्निक से पहले जैसा किया जा सकता है। क्लोनिंग का एक दूसरा पार्ट है स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और ये हाईली इफेक्टिव थेरेपी होती है।
क्योंकि ये कैंसर, हेपेटाइटिस और हार्ट की डिजीज के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। क्लोनिंग का एक और बेनिफिट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोनिंग टेक्निक का यूज करके हम ह्यूमन ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी में इनको फिर से इम्प्लांट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लोनिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इस टेक्निक का यूज करने से ह्यूमन पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं होगा। क्लोनिंग से अगर बहुत सारे लोग एक जैसे होने लगे तो इस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्लोनिंग टेक्निक से ह्यूमन राइट अब्यूजेस और क्राइम जैसी चीजें बढ़ जाएंगी। प्रेजेंट में होने वाली किसी भी रिसर्च और डेवलपमेंट से फ्यूचर में होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। ये टेक्निक हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है और यहाँ तक कि इससे ह्यूमन स्पीसीज की कैटेगरी भी चेंज हो सकती है। आप क्लोनिंग के बारे में क्या समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।